प्रयागराज में ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली एक युवती के साथ गैंग रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ऑर्केस्ट्रा में काम दिलाने के बहाने झूसी थाना क्षेत्र के कटका इलाके में शनिवार की रात चार युवकों ने युवती के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित युवती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस तीन अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। पीड़िता मूल रूप से जौनपुर जिले की रहने वाली है और मौजूदा समय में वो प्रयागराज के नैनी इलाके में रहती है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करा लिया है। गौरतलब है कि ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली युवती को कौसामी के जितेंद्र नामक युवक ने काम दिलाने के बहाने झूसी के कटका स्थित एक होटल में बुलाया था। इस दौरान उसने अपने तीन अन्य साथियों को भी बुला लिया। आरोप है कि जिसके बाद चारों ने बारी बारी से युवती के साथ दुराचार किया। किसी तरह आरोपियों के चुंगल से छूटकर पीड़िता सीधे झूसी थाने पहुंची और पुलिस को आप बीती सुनाई। पुलिस ने पीड़ित युवती की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर उसके बताए ठिकाने पर दबिश देकर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश में कौसाम्बी और प्रयागराज में दबिश दे रही है। पीड़िता की तहरीर के मुताबिक आरोपी युवक काम दिलाने के बहाने उसे कई दिनों से होटल में रखकर उसके साथ यौन शोषण कर रहा था। ये अपने बच्ची के साथ नैनी क्षेत्र में रहती हैं और ऑर्केस्ट्रा में डांसिंग का कार्य करती हैं। इनके एक मित्र हैं अजय। अजय वो जो है फ्रेंड है, उन्होंने काम करने के लिए लेने के लिए रिक्वेस्ट किया। तो ये परसों वाली रात में झूसी जो वो होटल है उसमें बुलाया खाना बनाने के लिए। खाना ये बनाई खिलाई, उसके बाद उनके और तीन मित्र थे, उन लोगों ने के साथ दुर्व्यवहार किया। 100 नंबर पर सूचना हुई, मैं भी तत्काल मौके पर पहुंचा, जिसमें सब लोग भाग गए थे, लेकिन रात में हमने एक गिरफ्तारी कर लिया है और शेष जो है मुकदमा लिखकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए।